और नैनीताल के मलीताल में एक दिवसीय कुमाऊं महोत्सव कार्यशाला का आयोजन किया गया है। समिति के अध्यक्ष ने बताया कि बाल विकास समिति कुमाऊं संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन कर रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य युवा पीढ़ी को जागरूक करना है, जिसके लिए चित्रकला और लोक कला की कार्यशाला का आयोजन किया जाता है। साथ ही झोड़ा चावरी छपेली हुड़की से संबंधित कार्यशाला का आयोजन किया जाता है, जिससे विलुप्त होती संस्कृति को बढ़ावा मिल सके, साथ ही कार्यशाला से रोजगार को भी बढ़ावा मिलता है। नैनीताल से तेज सिंह की रिपोर्ट। को जागरूक कर रहा है क्योंकि आज की युवा पीढ़ी इन सब कुमाऊं के कल्चर से, कुमाऊं की सांस्कृतिक परंपरा से विमुख होती जा रही है, पाश्चात्य कल्चर को अपना रही है। आज डीजे में और टेप में इसमें सब डांस वांस करना पसंद करते हैं, जबकि हमारा कुमाऊं का कल्चर है ढोलक में और सगुन आखर, और ये शादी ब्याह में जो हल्दी के समय जो गीत गाए जाते हैं, जो सगुन आखर गाए जाते हैं, ये सब हमारी संस्कृति, हमारी युवा पीढ़ी हमारी संस्कृति को भूलते जा रही है।